हाँ जी बेटा, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अज आप हल करांगे तुहाडे लई 10वीं दा साइंस दा पेपर। साइंस दे लगभग सारियां क्लासां दे पेपर आप हल कर ले सी, कल्ली 10वीं क्लास आ जिहड़ी अपनी पेंडिंग रह गई सी। अज आप इस दा सोल्यूशन है जिहड़ा ओह देखांगे। तुसीं अपने आंसर्स दा मिलान आ जिहड़ा इस वीडियो नाल कर सकोगे, ते इहदे सही आंसर अपनी कापी ते नोट कर लैणे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जिहड़े तुहानूं इस पेपर दे विच पुछे गए सीगे, जिहड़े कि तुहानूं अगले नैस लई जां NTSC लई भी पुछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आप स्टार्ट करते हैं अपनी अज की वीडियो। पहले क्वेश्चन तो हेठ लिखी अपघटन क्रिया दौरान केड़ी गैस या गैसा निकलदियां हन? आयरन सल्फेट, तो ये की निकलेगा भी? आयरन का ऑक्साइड, दो गैसेस अपने को निकलनियाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब बी ते सी। लास्ट ऑप्शन सही बनूगी अपनी बी ते सी दोवें। निम्नलिखित ग्रुप विचों केड़ी डावनिया दी तिकड़ी नहीं है? लीथियम सोडियम पोटाशियम ए भी हैगी है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ए भी हैगी है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ए भी हैगी है, केड़ी नहीं है भी? ब्रिलियम मैगनीशियम क्रोमियम बी ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मनुखी अख विच दाखल होने वाली प्रकाश की मात्रा नूं अख दे किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इस द्वारा किया जाता बेटा, यह पुतली द्वारा। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के जोड़े लिए आपाती कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात स्थिर होता है, जिन्हों असी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नाल जानते हैं। वर्तन अंक म्यू इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इस निजम का की नाम है बेटा? स्नैल का अपवर्तन निजम। राजू दंदा के डॉक्टर कोल दंद चैक करवाउन गया, डॉक्टर ने एक दर्पण की मदद ना उसके दंदा का चैकअप किया, कि तुसी दर्पण का नाम दस सकते हो? किस दर्पण आ बेटा, किहड़ा दर्पण? वह अवतल दर्पण। उस काल्पनिक रेखा का की नाम है जिहड़ी गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र विचों गुजरती है? की बोलने बेटा उन्हें असी? मुख धुरा। भोजन लड़ी भी शाकाहारी हेठ लिखा विचों किस की भूमिका निभाते हैं? पहले खपतकार। हेठ लिखा विचों ओम के निजम नूं दर्शाउंदा किहड़ा सूत्र बिल्कुल सही है? ओम के निजम अनुसार पोटेंशियल अंतर है जो बिजली धारा के सीधा अनुपाती हों, वी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इतों असं लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब पहली ऑप्शन साड़ी सही है, वी इज इक्वल टू आई आर। 30 ओम 50 ओम ते 80 ओम नूं लड़ीबद्ध सर्किट में जोड़िया गया है, तिने प्रतिरोधकों का तुल प्रतिरोध कितना हो जाए? जो लड़ी में जोड़े जाते हैं तो तिना का की हो जाता है? सम हो जाता, जोड़ कर दें आप। 30 ते 50 80, 80 ते 80 160 ओम। जो दो ज़्यादा प्रतिरोधों लड़ी में जुड़िया जाता तो वह कि भौतिक राशि है जी उन्होंने स्थिर रहती है, कॉन्सटेंट रहती है, नहीं बदलती? केड़ी नहीं बदलती बेटा? बिजली धारा यानी कि करंट। हेठां दिते संबंधों विचों किहड़ा ठीक है? किहड़ा ठीक है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, पोटेंशियल अंतर आ जिहड़ा वह किहदे बराबर हुंदा है? वर्कडन यानी कि कार्ज किया गया कार्ज बटा चार्ज। ठीक है, दिते गए ग्राफ तो चालक विच वह रही बिजली धारा का मान पता करो। ये क्वेश्चन तो बेटा थोड़ी दिक्कत है क्योंकि जिमें जिमें असी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उमें करंट की मात्रा भी साड़ी बढ़ रही है। इस ग्राफ तो VI ग्राफ तो असी रजिस्टेंस तो कढ़ सकते हैं प्रतिरोध। ठीक है, पर असी करंट बारे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिमें जिमें असी वोल्टेज इधर नूं वधा रहे हैं इस पासे करंट भी वध रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के जिहड़े नंबर आ उह तुहाडे अध्यापक साहिबान वलों तय किए जाएंगे भी इसका की करना है। विजल चुंबकी बल रेखावां बारे हेठ लिखा विचों किहड़ा कथन सही है? इह ध्रुवां नेड़े संघणियां हुंदियां हन, बिल्कुल सही है। दो चुंबकी बल रेखावां एक दूजे नूं एक बिंदू ते कटदियां हन? नहीं, एक दूजे नूं नहीं कटदियां, एक उत्तरी ध्रुव तो शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, भी सही है, मतलब ए ते सी दोवें ठीक हैं। ठीक,
चित्र विच चालक तार चुंबकी सूई दे उपर है, बिजली तारा दा बहाव दक्षण तो उत्तर दिशा वल है। चुंबकी सूई दा उत्तरी ध्रुव किस दिशा वल गति करेगा? किस दिशा वल गति करेगा? भी उत्तर वल है तो किस करेगा? पूर्व दिशा वल। सज्जा हाथ अंगूठा निजम सानू की दसदा है? की दसदा? भी पैदा हुई बिजली धारा दी दिशा, उहदी दिशा किधर नूं है। ठीक है, दित्ती गई क्रिया विच पैदा हुए चुंबकी खेत्र दी दिशा की होएगी? चुंबकी खेत्र दी दिशा जिहड़ी उह इधर नूं होएगी। ठीक है, कीड़ी होएगी? मतलब घड़ी दी सूई दी घूमण दी दिशा विच। ठीक, व्यापारक ऊर्जा बिजली ऊर्जा की व्यापारक आई किलोवाट घंटा है, एक किलोवाट घंटा का मान किन्ना हुंदा? एक किलोवाट घंटा। एक किलोवाट च किन्ने वाट हुंदे ने? भी हज़ार। ठीक है, अगे घंटे च किन्ने सैकंड हुंदे? 3600। तो असीं इहनूं ऐ लिख सकते हैं, तो जे असीं इहनूं लिखिए 36 दे नाल लग गईआं साडीआं 5 जीरवां, यानी कि इत्थे जे 3.6 असीं लाईए तो साडे कोल बन जूगा 10^6 जूल लिख दिंदे असीं उत्तों बाद। ठीक है, एस आई का जूल है, तो 3.6 × 10^6 जूल हेठां दर्शाई क्रिया विच चुंबक दी शक्ति दुगुणी कर दित्ती जावे तां पैदा होए करंट विच की परिवर्तन होएगा? इस दी दिशा विच कोई परिवर्तन होएगा? नहीं। बिजली धारा दिशा उल्ट जाएगा? नहीं। बिजली धारा दी मात्रा वध जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन। चित्र विच दर्शाई क्रिया करदे हुए विद्यार्थी ने सोचा कि गोलाकार कुंडली विच पैदा होए चुंबकी खेत्र नूं वधाउणा है, इसलिए उसनूं की करना पएगा? की करना पएगा? जे चुंबकी खेत्र वधाउणा है जां तां बिजली धारा दी मात्रा नूं वधाउणा पवेगा, जां उहदे विच फेरियां दी संख्या जिहड़ी उह ज़्यादा करनी पएगी। मतलब साडे लई डी ऑप्शन सही होजूगी, ए अते बी दोवें। न्यूक्लीयर रिएक्टर विच डैश क्रिया ऊर्जा दा स्रोत हुंदा है, कीड़ी? भी न्यूक्ली विखंडन क्रिया। बायोगैस प्लांट विच हेठ लिखियां विचों कीड़ी क्रिया हुंदी है? बायोगैस प्लांट विच जिहड़ी सारी क्रिया हुंदी है उपरोक्त अणऑक्सी हुंदी है, ऑक्सीजन दी अणहोंद विच अणऑक्सी सह क्रिया। हेठ दित्ते ऊर्जा दे सोमियां विच किहड़ा ऊर्जा दा गैर परंपरागत सोमा नहीं है? जिहड़ा नहीं है? भी पेट्रोल। ठीक, सूरजी सैल बनाउण लई किस दी वरतों की जाती है? बहुत इंपोर्टेंट है, किस दी वरतों की जाती है? सिलीकन। प्लास्टिक वर्गे पदार्थ डैश द्वारा ही अपघटित हुंदे हन। ठीक है, वैसे तो छेती कितने प्लास्टिक खत्म नहीं हुंदा, कई साल लगते हैं। ठीक है, तो ये किस द्वारा खत्म हो सकते हैं, अपघटित हो सकते हैं? ताप अते दबाव वर्गियां भौतिक क्रियावां द्वारा। नर्मदा बचाओ अंदोलन किस नूं रोकण लई होया? नर्मदा नदी दे प्रदूषण लई। बिल्कुल, नर्मदा नदी दा प्रदूषण हो रहा सी डैम उसारी करके, इस दे डैम दी उसारी नूं रोकण लई इहदे लई भी होया। इस उपर डैम बने दी उचाई नूं वधा रहे सी, उस दे विरोध लई भी इह होया सी। मतलब उपरोक्त सारयां लई इह नर्मदा बचाओ अंदोलन होया सी। ठीक, किहड़ा कथन वातावरण पक्षी है? कार दी जगह बस विच सफर करना, इह भी वातावरण पक्षी है। घरां ते दफ्तरां विच बिजली दी बल्ब दी वरतों करना गलत। ऊर्जा दे बदलवें स्रोतों की वरतों करनी सही। मतलब ए अते सी दोवें, डी ऑप्शन सही आ जूगी। टिकाऊ विकास की है? वह विकास जो भविख दीआं पीढ़ी दीआं जरूरतां नूं पूरा करन दी योग्यता नाल समझौते किते बगैर वर्तमान दीआं जरूरतां नूं पूरा करदा है, ये भी टिकाऊ विकास दे विच आउंदा है। बिल्कुल सही है। प्रदूषण अते वातावरण नूं नुकसान नूं घटाउंदे होए बिजली दे कुदरती स्रोतों की संभाल करदा है। बिल्कुल सही है, ये भी इहदे विच आउंदा है। ये जमीन अते निर्माण प्रोजेक्टां नूं इस तरीके नाल विकसित करन दा अभ्यास है तां जो उन्हां नूं स्वै निर्भरता दे ऊर्जा कुशल मॉडल बनाउण दी आग्या दे के वातावरण ते उन्हां दे प्रभावां नूं घटाया जा सके, घटाउंदा है। मतलब भी सही है। मतलब उपरोक्त सारे आ जिहड़े टिकाऊ विकास, उपरोक्त सारयां नूं असीं टिकाऊ विकास कह सकदे हां। ठीक, लास्ट ऑप्शन साडी सही बन जूगी, उपरोक्त सारे। हेठ लिखी आ गतिविधियां विच किहड़ी गतिविधि वातावरण दे अनुकूल है, वातावरण लई सही है? बस लैण दी बजाए अपने निजी वाहन दी वरतों करना, फ्लोरोसेंट ट्यूबां दी बजाए अपने घरां विच बल्ब दी वरतों करो, पौड़ियां चढ़न दी बजाए लिफ्ट दी वरतों करना, ठंडे दिनां विच हीटिंग उपकरण दी वरतों करन दी बजाए एक वाधू स्वैटर पाउणा, ये है जिहड़ा वातावरण दे अनुकूल है। ठीक है, वी हीटिंग उपकरण लगाउण दी बजाए असीं जे वाधू स्वैटर पा लाँगे वो वातावरण लई फायदेमंद होएगा।
उस किरिया का नाम दसो जिस विच ठोस वस्तु गर्म करन ते तरल विच बदल जाती है, उसनू की बोलते हैं असी पिघलना। ठीक है, पिघल गई। किरिया दे रखी है सानू कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर इंटू वाटर विच ओ पदार्थ जिन्हों का ऑक्सीकरण ते लघुकरण हो रहा है। की है ऑक्सीकरण कदों हुंदा भी किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण असं कदों कहने भी ऑक्सीकरण होया जो ऑक्सीजन आ जी बाहर निकल जाए तो ऑक्सीजन कि बाहर निकल रही है कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन बाहर निकल गई वो कॉपर बन गया मतलब यदा की हो रहा है ऑक्सीकरण। अगे ये ऑक्सीजन ऐड हो गई मतलब यदा की हो रहा है लघुकरण जिदे ऑक्सीजन मिल जाए ऐड हो जाए। ठीक है वह हों लघुकरण हों सॉरी आप उल्ट उल्ट कह गए एक मिनट ये ऑक्सीकारक की गल कर रहे थे मैं। ऑक्सीजन अगर निकल गई तो वह होगा लघुकरण। ठीक है ऑक्सीजन जो साड़ी बाहर निकल गई वह होगा लघुकरण तो यह आप आ जड़ा ये ऑक्सीकारक का काम करूगा। ठीक है जी आप गल पहला कर रहे थे वो ऑक्सीकारक की गल सी। ठीक है मतलब कॉपर ऑक्साइड आ जड़ा उदा लघुकरण होया क्योंकि उदे विचों ऑक्सीजन आ जड़ी वह बाहर निकल गई है तो वह ऑक्सीकारक वजो काम करेगा। ठीक है सिमिलरली हाइड्रोजन गैस है जी ऑक्सीजन ऐड होगी होगा ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होगा तो वह आप लघुकारक वजो काम करूगी। ठीक है मतलब हुण आपां क्वेश्चन में दसना ऑक्सीकरण किहदा हो रहा है तो लघुकरण किहदा ऑक्सीकरण किहदा हो रहा है भी हाइड्रोजन का तो लघुकरण किहदा हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का हो रहा है तो लघुकरण कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। दोबारा देख लो ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो यह लघुकरण हो रहा है जिदे ऐड होगी जिदे जुड़ गई वह हो रहा ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है सी ऑप्शन तत् एक्स वाई जेड के परमाणु अंक 8, 12, 17 हैं इन्हों विचों केड़े तत् इको पीरियड नाल संबंधित हैं 8, 12, 17 इन दी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब देखते हैं यदी आऊगी 2, 6 यदी आऊगी 2, 8, 2, 2, 8, 10, 2, 12 पहले पीरियड के विच आपां 2 रखने हुंदे आ पहले शैल दे विच सॉरी 2, 8, 7 तो इको पीरियड नाल संबंध वह रखणगे तत् जिन्हां विच शैलों की संख्या जिहड़ी वह बराबर होएगी। इन्हां विच शैलों की संख्या बराबर है मतलब 3-3 है शैलों की संख्या इन्हां विच बराबर है तो जिहड़े तत् 12 ते 17 जिन्हां दे परमाणु अंक ने मतलब वाई ते जैड वह इको पीरियड नाल संबंधित हैं। जे असी परमाणु अंक के हिसाब नाल भी देखिए जिहड़ा 12 है वह मैगनीशियम का परमाणु अंक है 17 जिहड़ा वह क्लोरीन का तो यह इको पीरियड नाल संबंध रखते हैं जिहड़ा 8 है ऑक्सीजन का। ठीक है ये अलग पीरियड के विच आउंदा मैगनीशियम तो क्लोरीन आ जिहड़े ये अलग चाहते मतलब मैगनीशियम जिवें इत्थे वाई दिता क्लोरीन नूं जैड दिता तो वाई तो जैड आ जिहड़े वो इको पीरियड नाल संबंध रखते हैं। ठीक है वाई आते जैड सी ऑप्शन ताजे दुध की पीएच नूं की हुंदा जदों दही बनता जदों दही बनता लैक्टिक एसड मतलब पैदा हो हुंदा तो लैक्टिक एसड जो एसड पैदा हो गया तो पीएच आ जिहड़ी वह घटती है। ठीक है पीएच की हुंदी है घटती है क्योंकि 7 तो पीएच जे घटती है तो वह एसिडिक हुंदा 7 तो ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह बेस बन जाता मतलब खार बन जाता। ठीक है चिपको अंदोलन द्वारा महत्वपूर्ण संदेश की दिता गया सी किसी भी जंगल की संभाल के जतना भाईचारे नूं शामिल किया जाए पहली ऑप्शन जंगल की संभाल के जतना भाईचारे नूं शामिल करन लई बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है यह 3 बराबर समान लंबाई वाले भागों में वंडिया गया जो समांतर जुड़े हुए हैं तो तुल प्रतिरोध कितना होएगा यह 3 दे विच वंडिया गया हरेक का हो जाएगा 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है अगर असी इनू समांतर दे विच अगे जोड़ांगे तो उहदे लई असी लिखांगे 1 1/6 + 1/6 तो जिहड़ा इन्हां दा तुल प्रतिरोध 1/r असी लिखांगे 1/6 तो 6 असी लघुत्तम लै लांगे उस तो बाद 1 + 1 + 1 मतलब 3/6 जो असी कह लिए आर कि हो जूगा 6/3 कट के कि हो जू बेटा 2 ओम तुल प्रतिरोध इन्हों का की हो जूगा 2 ओम हो जूगा। ठीक पहली ऑप्शन
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਪਣ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਪਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।